हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हमारी टीमें लगी हुई हैं कि एक सरकार से हमारे ये इस विषय में खुल के बातचीत हो कि सरकार कर क्या रही है। पॉलिसी तो आ रही है, तो तय है कि पॉलिसी आ रही है, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी ना हो ना कि बड़े लोगों को फायदा मिले। परमार साहब से मेरी पिछले दिनों बात हुई, शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं है कि ऑनलाइन मीडिया पे सबसे बड़ा कब्जा चाइना का है। हिंदुस्तान में ऑनलाइन मीडिया पे सबसे बड़ा कब्जा चाइना का है। चाइना ने कंपनियां बनाई हुई हैं, इंडियन लोगों को अपना मुलाजिम रखा हुआ, उसके अंदर सारी डिटेल मुझे परमार साहब ने दी है। ये इसलिए हमने चार पांच दिन पहले ग्रुप बनाया अपना, व्हाट्सएप का बनाते रहते हैं, आप देखते हो, सब देशी अपनाओ, उसका मकसद भी यही है। बैकडोर से उसका मकसद यही है कि हम लोग चाइना जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है सारी चीजों में बढ़ा हुआ है, ऑनलाइन मीडिया में हम चाइना को आगे नहीं बढ़ने देंगे किसी भी हालत में। हम लोग अपने खुद मेहनत करेंगे, खुद कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन हम लोग चाइना को आगे नहीं बढ़ने देंगे। चाइना ने बहुत बड़ी जो है ताकतें यहाँ पे लगाई हुई है ऑनलाइन मीडिया को, सरकारी कुछ लोग अफसर शामिल है, हम लोग उनको किसी भी तरीके से हम लोग जो है उनको जो है उनका पर्दाफाश करना है, जिस तरह से चाइना कब्जा कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिया पे। क्यों किसी को भी नहीं बढ़ने देंगे, अपना ही रखेंगे। हाँ, अपना रखेंगे। हम लोगों ने एक स्वदेशी ग्रुप बनाया, उसका मकसद ही यही है कि हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ने देना। ऑनलाइन मीडिया को कैसे मान्यता मिले, सरकारी विज्ञापन मिले, सरकारी फैसिलिटीज मिले, एक्रेडिटेशन मिले ऑनलाइन मीडिया के पत्रकारों को, इसके लिए हम लोग ने पूरी ताकत लगाई हुई है। एक बड़े आंदोलन की इसकी तैयारी है, जिसकी रूपरेखा जी या आदरणीय अध्यक्ष जी तैयार करने में लगे हुए इन दिनों में, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। ऑनलाइन मीडिया के लिए हम बहुत कुछ करने में लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा, चूंकि टेक्निकल वर्कशॉप है, भाषण में देना नहीं चाहता, तो और परमार साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, थिंक टैंक है हमारे, और आज हम कोशिश करेंगे वन टू वन पे थोड़ा भाषण तो होंगे, लेकिन वन टू वन पे ज्यादा जोर देंगे हम लोग।